जल्दी आओ जल्दी आओ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हाँ गाड़ी फंस गई थी यार, ये देखो राइट वाला जो टायर था वो बिल्कुल हवा में हो गया था, गाड़ी बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो गई थी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। कल यार हम लेट हो गए थे काफी मनाली से वापस आते आते, तो रात को बस खा पी के सो गए, कुछ नहीं किया। और अभी सुबह हम देखो क्या कर रहे हैं, लगा लिया हमने अपना बाहर बैल्कनी में और पानी गर्म करके शहद डाल के पी रहे हैं सुबह सुबह। ये कल ही खरीदा है हमने शहद यहाँ से और कॉफी बना के पीते हैं। और आज फिर हमें रूम शिफ्ट करना है साथ वाले होटल में, तो बस वो शिफ्ट करते हैं और फिर कहीं घूमने निकलेंगे और फिर आपको दिखाते हैं और बढ़िया बढ़िया नज़ारे। तो कॉफी रेडी हो गई हमारी, अभी कॉफी पी के चलते हैं नीचे होटल दूसरे में। देखने में लग तो सही रही है, देख रहे हो हमने होटल में भी कैंपिंग के मजे ले लिए हैं। तो ऐसे ही है यार, कैंपिंग ना हो तो होटल में मजे ले लो कैंपिंग के। कितनी मेहनत लग रही है मेरी देखो, सिर्फ बैठने में मेहनत करी है, उसके बाद कोई मेहनत नहीं करी है इसने। इतनी मेहनत से कॉफी निकाली है मैंने। यहाँ आप जितना भी नजर मारो ना, ये सब सेब के पेड़ हैं। जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ वहाँ तक सेब के पेड़ आपको दिखेंगे। अभी विंटर्स है, अभी सीजन नहीं है, तो अभी तो देखो कैसे बंजर हो रखे हैं पूरा आगे तक, वो देखो सेब ही सेब लगा हुआ है। तो लेकिन अगर आपको ये देखना है भरा हुआ, तो जुलाई अगस्त के टाइम पे आप यहाँ पे आओ, एक तो ये पूरी माउंटेन्स आपको ग्रीन दिखेंगी और यहाँ सारे पेड़ों पर आपको सेब ही सेब दिखेंगे। तो कमाल का व्यू होगा यार, खुद सोचो क्या नज़ारा होने वाला है। तो मैं तो डेफिनेटली आने वाला हूँ यार जुलाई और अगस्त में फिर से, और यहाँ रहने वाला हूँ। और आप भी करो प्लान अगर आपको आना है तो, ये एक्सपीरियंस करना है तो, वरना मेरे व्लॉग्स में तो आपको देखने को मिलेगा ही पक्का। तो यार ये वाला है होटल हिल साइड व्यू, सिमसा जगह पड़ती है ये। और अगर आपको यहाँ पे रहना है, इस व्यू को एंजॉय करना है, ये मनाली से पहले ही है 3 किलोमीटर। तो मैं भैया का नंबर और इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। ये रूम है इनका डबल ऑक्यूपेंसी वाला। तो अभी सामान हमने सारा फैला दिया है यहाँ पे, मेरा उधर वॉशरूम का है। और यहाँ पे हर रूम के साथ इनकी प्राइवेट बैल्कनी भी है, ये देखो। और यहाँ से ये नज़ारा, और इनके पास ऊपर टॉप फ्लोर पे फैमिली सूट है, वो डुप्लेक्स रूम है, ठीक है, डबल शेयरिंग पे, तो आप 8 लोग भी उसमें आराम से रह सकते हो। यार अजय भैया हैं यहाँ पे ओनर, मैं उनका नंबर दे दूंगा, और बहुत ही नाइस भैया हैं, आप उनसे बात करो और आपकी बुकिंग करवाओ यहाँ पे अगर आपको आना है। बहुत ही सुकून वाली जगह है, यहाँ पे नीचे बोनफायर भी हो जाती है, इनका अपना किचन भी है और इनका अपना टूर्स का भी काम है। तो अगर आपको कहीं जाना है घूमने आगे, तो वो भी आप इनसे बात करके सब प्लान कर सकते हो, और आगे आपको गाइड भी कर देंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए। यार अब रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आज कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। होटल से यार 300 मीटर आगे ये ट्रैक जाता है, जो कि है पारशा वाटरफॉल के लिए। तो चलो चलते हैं वाटरफॉल, आपको दिखाते हैं। अभी कितना व्यू है पता नहीं, क्योंकि सर्दी का टाइम है, ज़्यादा पानी होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ से व्यू देखो यार एक बार, क्या सही लग रहा है। तो थोड़ा सा ही ऊपर है, चलते हैं ऊपर। A few inches later. तो ट्रैक होना चाहिए था यार, सीढ़ियों में दम निकल जाता है, सीढ़ियों चढ़ने में बहुत बुरी हालत होती है। बदतमीजी नहीं, ठीक है ना। चलो और ऊपर जाना है। तो हार मान चुके हैं हमारे सिपाही, जल्दी आओ जल्दी आओ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अच्छा ये देखा, कैमरे की धमकी देनी पड़ती तब तो चल रहे हैं ये। वो देखो वहाँ खड़ी नीचे गाड़ी हमारी, इतना ऊपर आ गए हैं, अभी और जाना है। तो पूरा ट्रैक सीढ़ियों का ही है, ज़्यादातर 90% सीढ़ियाँ ही हैं, और थोड़ा स्टीप तो है, इसे सांस फूल रहा है थोड़ा सा, पर चलो चलते हैं ऊपर। तो यार 15 मिनट लगे हैं हमें और हम बस पहुंच गए हैं ऊपर फाइनली। तो
गाइस ये देखो व्यू यार वाटरफॉल का, 10 मिनट की मेहनत के बाद आपको ये व्यू देखने को मिलेगा, तो आ जाना यार। और वहाँ पे देखो बीच में खड़े होने की जगह है, वहाँ चलते हैं। तो गाइस वेलकम टू पार्शल वाटरफॉल। ये देखो यार पीछे का नज़ारा कमाल। ये बहुत ही यार बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है इस वाटरफॉल के बारे में। मैं इसकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे अगर आप मनाली आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आना। बहुत ही ऑफ बीट लोकेशन है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता, बहुत लोग नहीं आते, मज़ा आएगा आपको। थोड़ा सा ट्रैक है यहाँ से, गाड़ी खड़ी करके आपको 10-15 मिनट लगेंगे ऊपर आने के लिए, लेकिन 10-15 मिनट के बाद जो नज़ारा है ना वो बहुत ही बढ़िया है, कमाल की फ़ोटोज़ आप यहाँ पे खिंचवा सकते हो। तो यहाँ पे एक पास में कैफ़े भी है, अभी तो शायद बंद है लेकिन नॉर्मल टाइम पे शायद वो कैफ़े भी खुला रहता है, तो आप यहाँ पे खा भी सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड आप यहाँ पे कर सकते हो। चलो ऊपर चलते हैं और ऊपर से दिखाता हूँ आपको व्यू। गिरी है क्या? चलो 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 बच गए। तो गाइज निकल रहे हैं हम यहाँ से आगे, 1.5 घंटा लग गया हमें यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खींचते हुए और रीले बनाते हुए। तो अब हम जा रहे हैं आगे, एक यहाँ पे 17-18 किलोमीटर आगे एक विलेज है, सॉयल विलेज, तो वहाँ चलते हैं। दो विलेज है जो कि अजय भैया ने हमें बताया है, नगर वाला जो रोड है उस रोड पर पड़ता है ये विलेज, 17-18 किलोमीटर है यहाँ से। तो फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पर इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, और देखेंगे अगर टाइम बचा तो नगर कासल भी आज जाएंगे, अगर टाइम नहीं बचा तो फिर वो अगली बार कवर करेंगे। और ये देखो यहाँ पे एक कैफ़े भी है जहाँ आप खा पी सकते हो, और ये रास्ता जहाँ से हम ऊपर आए थे, और नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, अगर आपको दिख रही है तो वो देखो। लेट है आओ। यार हम पहुंच गए हैं सजला गांव, और यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे है सॉयल विलेज जहाँ हम जा रहे हैं। तो 15 मिनट और दिखा रहा है यार यहाँ पे, तो चलो यार चलते हैं। 4 बज गए अभी, तो 4:15 तक हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। यार अगर आप मनाली की साइड से आ रहे हो तो मंसारी से पहले, मंसारी के पेट्रोल पंप से पहले ये रास्ता ऊपर जाता है, तो आपको ये लेना है सॉयल विलेज के लिए। बहुत ही पतला सा रास्ता है, आपके लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो चलो निकल गए। तो यार हम आ गए हैं सॉयल विलेज, ये देखो, और यहाँ पे गाड़ी लगा दी अपनी, क्योंकि ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ऐसे कच्चा रास्ता है पतला सा, ये देखो यहाँ से फिर गाड़ी जाएगी नहीं आगे, कटेगी नहीं गाड़ी, तो बस गाड़ी से लगा के हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल, और पैदल जाके देखते हैं आगे क्या व्यू है। तो अगर आप मनाली की साइड से आ रहे हो तो मंसारी में जो पेट्रोल पम्प है इंडियन ऑयल का, उससे पहले ही रास्ता कटता है आपका ऊपर की तरफ, पतला सा रास्ता, ऊपर चढ़ाई चढ़ रही होगी, तो आपको वो वाला टर्न लेना है लेफ्ट पे, और वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर आपको आना है, बहुत पतला रास्ता है और स्टीप है, लेकिन गाड़ी आ जाएगी यहाँ तक, तो आपको गाड़ी लेके यहाँ तक आना है, और उसके बाद आपका थोड़ा सा ट्रैक है 700 मीटर के आसपास। ये देखो पूरी वैली का व्यू यहाँ से, तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कैसा व्यू है आगे से, और आपको भी दिखाता हूँ। और अगर वहाँ पे कुछ कैफ़े खुला है तो कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, और सनसेट हो रहा है यार सामने, तो अगर कोई अच्छी जगह मिलती है तो फिर टाइम लैप्स लगाते हैं सनसेट का। बाकी यार व्यू देखो यहाँ से,
A few moments later. यार गलत चले गए हम थोड़ा सा, उस तरफ नहीं जाना। एक अंकल से पूछा है अभी, वो कह रहे हैं उधर तो गांव है बस, यहाँ पे है शायद कैफे वगैरह, इधर चलते हैं आगे। हाँ ये रास्ता, एक ट्रेल जा रही है आगे, वो देखो तो शायद ये रास्ता आगे जाता है, तो लेट्स गो। यार भैया ने यहाँ पे एक कैफ़े का हमें दिया है एड्रेस, वहीं जा रहे हैं। वो वाला कैफ़े तो शायद बंद है, लेकिन एक और कैफ़े वहाँ पे खुला है। आज़मपुर पहुँच गए वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं एक और कैफ़े खुला है उधर, तो वहाँ चलते हैं कुछ खाते हैं। यार सुबह से कुछ नहीं खाया आज, अब तो भूख लगने लगी है, तो चलो फटाफट। और ये गाँव देखो यार, छोटा सा गाँव इधर, प्यारा सा, ये देखो क्या शानदार नज़ारे, पोल्यूशन फ्री जगह। तो यार अगर आप मनाली आ रहे हो और कुछ ऑफ बीट लोकेशन पे जाना चाहते हो मनाली के पास, तो ये जगह आप ट्राई कर सकते हो, सॉयल विलेज। और यहाँ पे आप आके रुक भी सकते हो, क्योंकि शायद यहाँ पे होम स्टे आपको मिल जाएगा, वरना नीचे काफ़ी सारे होम स्टे थे, होटल्स भी थे, तो कहीं ना कहीं आपको रहने का मिल जाएगा। और यहाँ आके आप इंजॉय कर सकते हो अपना दिन, कैफ़े है यहाँ पे भी। तो ये देखो यार, कैफ़े और कॉटेजेस लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे आप रह भी सकते हो। अगर बिल्कुल नेचर वाला फील आपको चाहिए तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, या इसको आप अपनी ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हो, एक दो दिन मनाली और फिर दो दिन यहाँ। तो यार लोकल से पूछते पूछते जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं, कुछ गाँव को जा रहे हैं और कुछ कैफ़े की तरफ जा रहे हैं। तो लोकल से पूछ पूछ के हम जा रहे हैं कहाँ है कैफे। तो देखो यार गांव के लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करते हुए, 100 मीटर और रह गया है बस। गाइस आप व्यूज एंजॉय करो, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं, बाकी हमारा थोड़ा सांस चढ़ गया है, लेकिन मज़ेदार है यार। तो यार हम पहुँच गए हैं कैफे इसके पास, यहाँ पे 3-4 कैफे हैं। तो ये जंगल जंक्शन कैफ़े है जो भैया ने हमें बताया था, ये वाला तो शायद अभी बंद है, लेकिन यार लोकेशन देखो ज़रा, क्या जंगलों के बीच में ऐसा लग रहा है। हो रहे वो लोग शायद फील, देखो यार। तो हम जा रहे हैं इधर, वो जंगल वाला तो शायद बंद है, ये भाई लोग इधर रुके हैं, यहाँ चलते हैं। ये देखो यार सॉरी पेड़ काट के टेबल बना रखे हैं, ये देखो देख लो, 3 लेडीज कैफे, 3 औरतों का ढाबा। चलो ये देखो, बिल्कुल नेचर की गोद में, जंगल के बीचों बीच ये फील। अगर आपको चाहिए तो आ जाओ सॉयल विलेज, डिटेल्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से निकाल लेना। चलो ओ, हम यहाँ पे आग जला रहे हैं, चलो यस राजमा चावल खाएंगे हम बिल्कुल। तो चला ली है बोन फायर फिलहाल, ये पहली ट्रिप हमारी जो इतने दिन हो गए बोन फायर नहीं हुई है, तो थोड़ी सही हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय, सिद्धू ऑमलेट और राजमा चावल हमने बोल दिए हैं। तब तक मैं घूम के आता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ आसपास के नज़ारे। यार ये व्यू देखो, और ये देखो ये यहाँ पे ना इन्होंने ऐसे टेंट भी लगा रखे हैं, 1500 रुपये पर नाइट स्टे यहाँ पे बता रही है, शायद खाना इसमें इंक्लूड होगा। तो आप यहाँ पे आके अगर कैंपिंग करना चाहो फॉरेस्ट में, ये भी कर सकते हो यार। तो हमें पहले अगर यहाँ पे आ जाते तो शायद एक दिन हम यहाँ पे रुकते, लेकिन आज तो हम नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि हमें आगे भी प्लान है, कसौल भी जाना है। तो यार यहाँ से देखो व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है, ये वुडन ब्रिज, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, पानी का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। और ये देखो यार व्यू देखो यहाँ से आप, अमेजिंग गाइस, ज़बरदस्त व्यू है। नमस्ते, बढ़िया, आप कैसे हो?
अभी खींचते फोटो और आगे चलता हूँ पुल पे। राजमा चावल आ गया यार, राजमा चावल खाएंगे पहले। चलो चलो चलो, क्या हुआ? गाड़ी हटवाऊं? ओह शिट। अब तो यार वापस जाना पड़ रहा है मुझे वहाँ पे, क्योंकि जहाँ मैंने अपनी गाड़ी लगाई थी वहाँ आगे एक और गाड़ी खड़ी थी। मुझे लगा शायद गांव वाले की किसी की होगी, नहीं निकलेगी, लेकिन वो निकालनी है। अभी आंटी के पास फ़ोन आया है गाड़ी हटाने के लिए, तो मैं अब जा रहा हूँ वापस उसी जगह पे और फिर आऊँगा यहाँ वापस। दम निकल जाएगा आज तो। वाह कितनी ट्रैकिंग करेंगे आज। ये वाले ट्रिप पे ना कुछ अलग ही हो रहा है यार मेरे साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, जो भी हो रहा है मजे तो आ रहे हैं ना, तो चलो चलते हैं। One hour later. ओ यार बहुत ही गंदी फंस गई थी यार गाड़ी। ये देखो दिखाता हूँ आपको हालत क्या हुई है। हाँ गाड़ी फंस गई थी यार, ये देखो राइट वाला जो टायर था वो बिल्कुल हवा में हो गया था, गाड़ी बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो गई थी तो ग्रिप ही नहीं बन पा रही थी। तो ये भाई लोगों ने हेल्प करके सबने निकलवा दी गाड़ी, तो निकल गई और हम जा रहा हूँ वापस कैफे पे। इतनी बुरी गंदी फंसी ना गाड़ी, हो आज पता चल गया भाई 4x4 होनी कितनी ज़रूरी है पहाड़ों में। चलो बस निकल गई, लेकिन अब चल रहे हैं वापस यार, अंधेरा भी होने वाला है। तो देखो सनसेट हो गया वहाँ पे, व्यू देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ओ दम निकल गया गाइज, वापस पहुँचते पहुँचते बस ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ और अंधेरा हो गया यार। 6:45 हो गए हैं और यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो आगे का तो व्यू आपको नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन मैंने भाई लोग से बोल दिया था कि शूट कर लो, तो अगर उन्होंने कुछ शूट किया है तो वो आपको दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं नीचे, खाते राजमा चावल और फिर निकलते हैं मनाली के लिए। फाइनली यार तो मैं पहुंच गया हूँ कैफे पे वापस और हम कर रहे हैं बोनफायर, खाएंगे राजमा चावल। तो अंधेरा हो गया यार, देखो लाइटें दिखने लगी हैं यहाँ से। क्या कह रहे हो? जब मैं राजमा चावल खा लूंगा तो यार फाइनली बोनफायर। यार वेरी चलाक ब्रो, वेरी चलाक, चलाक ब्रो, चलाक यार, वेरी चलाक ब्रो। यार धुआं आ रहा था इसलिए मुझे वहां पे धक्का मारा है। तो यार हमारे राजमा राइस आ गए हैं, ये रहे राजमा और ये रहे हमारे राइस। ये ब्राउन राइस लग रहे हैं मुझे, है ना, कलर भी चेंज लग रहा है। और ये देख क्या चीज है, अचार है। अच्छा लोकल अचार है यहाँ का। चलो यार खाते हैं फटाफट, हम तो इसी में मिला लेते हैं यार, इसी में मिलाते हैं डोंगे में और इसी में खा लेंगे सब। कहाँ प्लेट व्लेट लेंगे यार, बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ये गए राजमा और ये हो गए राजमा राइस मिक्स और प्याज डालो ऊपर और चलो रेडी हो गए दोनों। मास्टर शेफ ऑफ इंडिया सजावट कर रहे हैं, मास्टर शेफ ऑफ हिमाचल। चलो यार तो यार तो वापस जाते जाते अंधेरा हो गया। ये देखो अब अंधेरे में ट्रैक कर रहे हैं, ये देखो चलो 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 चलो, हालत देखो क्या हो गई हमारी। चलो 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 पूरे 8 लोग, 8 लोग पूरे। और ये हमारे साथ हमारा दोस्त जो हमें छोड़ने जा रहा है आगे तक। Eventually. तो यार हमें रास्ते में एक गोलगप्पे वाला दिख गया भैया, तो फिर हमने ब्रेक मार ली, अपने आप ही लग गई ब्रेक गाड़ी की। गाड़ी को भी पता है गोलगप्पे के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। या, तो खाते हैं। ये दादा बताइए आज, दादा कैसा है? सही है, चलो लाओ भैया गाइस आ जाओ फटाफट खा लो। नखरे देखो इस कलर की। तो यार अगर इस तरफ आओ जगत सुख की तरफ, यहाँ गोलगप्पे खाना यार, रुक के कमाल के गोलगप्पे हैं। पूरी स्वीट शॉप है और भी चीजें हैं वो भी अच्छी होंगी, देख के तो मस्त लग रहा है। गोलगप्पे तो A1 है यार, मस्त ट्राई। चलो चले
यार कल हो गए थे बहुत लेट ओल्ड मनाली से, आपने देखा हम कैफे बैठे हुए थे वहां से 11:30 बज गए 12:30 बज गए यहाँ पहुंचते पहुंचते, फिर आके बस सो गए, तो इसलिए व्लॉग एंड नहीं कर पाया, तो आज सुबह एंड कर रहा हूँ। यार अगर आज का मौसम आप देखो तो पूरे बादल छा गए हैं यहाँ पे, और ये देखो सुबह बहुत बादल थे और अभी मौसम खराब हो रहा है। अगर ऊपर देखो आप रोहतांग की तरफ, वहाँ शायद स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है और यहाँ भी प्रिडिक्शन है स्नोफॉल का, तो शायद शाम को यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए या दोपहर तक। आज हम रुकेंगे यहीं पे और देखते हैं स्नोफॉल होता है कि नहीं होता, आपको दिखाते हैं अगली वीडियो में, और कल हम शायद निकलेंगे कसौल के लिए, तो जो भी होगा आपको पता चलेगा अगली वीडियो में। और इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइज, दिस इज ये साइनिंग ऑफ, गुड बाय। और मौसम देखो यार, आज चांसेस तो हैं कि बर्फ पड़ेगी यहाँ पे। Thank you.